सबरीमाला मामले पर केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन द्वारा बुलाई गई बैठक को कांग्रेस और बीजेपी बीच में ही छोड़कर बाहर निकल गए। मुख्यमंत्री ने मंदिर में सभी महिलाओं के प्रवेश को लेकर हो रहे खींचतान को लेकर यह बैठक बुलाई थी। खास बात यह है कि 17 नवंबर से ढाई महीने लंबे चलने वाले मंडल मकर विलाकु पावन महीने की शुरुआत हो रही है। इस पावन महीने के दौरान महिलाएं मंदिर में दर्शन के लिए आ सकती हैं। ऐसे में इसे लेकर कोई बवाल ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए सीएम ने सभी पार्टी की बैठक बुलाई थी। इस पावन महीने में दर्शन को लेकर बीते एक सप्ताह में 500 से ज्यादा महिलाओं ने केरल पुलिस की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराया हुआ है। मुख्यमंत्री पी विजयन ने इस पूरे विवाद के लिए बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार बताया है। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों में इस मामले को लेकर बीजेपी के रुख के बारे में सभी को पता चल गया है। गौरतलब है कि केरल के सबरीमाला मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं के प्रवेश के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिकाओं पर फैसले के बाद सुनवाई करेगा। CJI ने कहा कि अगर पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करेंगे तो हम जनहित याचिकाओं को सुनेंगे। ध्यान हो कि 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। 4-1 के बहुमत से हुए फैसले में 5 जजों की संविधान पीठ ने साफ कहा कि हर उम्र वर्ग की महिलाएं अब मंदिर में प्रवेश कर सकेंगी।